हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रवण। आप देख रहे हैं टेक्नो गेयर। तो आज हम बताएंगे गैस स्टोव कैसे रिपेयर करते हैं, हाउ टू रिपेयर गैस स्टोव। तो आप देख सकते हैं ये गैस स्टोव है 4 बर्नर का, या आप 2 बर्नर का, 3 बर्नर का, कौन सा भी सेम मेथड है, आप कौन सा भी गैस स्टोव रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉब बिल्कुल टाइट होता है, बहुत टाइट होता है, या फिर उसमें फ्लेम कम आ रही है, या फिर उसमें कुछ कचरा कुचरा रहता है, वो कैसे क्लीन करते हैं, हम आपको वीडियो को में पूरा बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो का समय आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम है ये बर्नर में, ये टाइट भी है और फ्लेम भी कम आ रही है इसमें। तो गैस स्टोव को पहले क्या करना है कि आपको पूरा उल्टा करना है गैस स्टोव। प्रॉब्लम थी इसमें, तो ये हम ओपन करने के लिए क्या क्या स्पेयर पार्ट सही है आपको, तो एक ज़रूरत होगी आपको स्क्रू ड्राइवर की, यहाँ पे एक सुई की ज़रूरत होगी जो बिल्कुल एकदम थिन आती है इस तरह की, ये तार टाइप तार है पतला सा, और एक कोई कपड़ा की ज़रूरत होगी, और आप कोई कोकोनट ऑयल या फिर कुछ ग्रेस की जरूरत, ग्रेस थोड़ा सा सही है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं इसको ओपन कर देते हैं, कैसे ओपन करते हैं आप ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए तो पूरा आपको समझ में आएगा। ये नॉब को ये थोड़ा देखो बहुत टाइट है, तो इसको मैं घुमा दिया हूँ, और यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू है जिसको आप रिमूव करना है, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये देखो मैंने ओपन कर लिया है, और इस तरह से ये स्प्रिंग आ जाती है, एक छोटा सा ये स्क्रू, ये हम रखना है साइड में एंड। उसके बाद में इधर एक अंदर और नोजल टाइप है, ये आपको बाहर लेना है, बाहर लेके इसमें मेन होता है, ये पूरा क्लीन करना है, ये मेन जो क्लीन करना है। बोलो कैसे क्लीन करते हैं, ऐसे एक कपड़े से साफ कर लीजिए, उसको वॉश नहीं करना वाटर में, क्योंकि आप वॉश करेंगे तो बर्नर में बक बक करके साउंड आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 हॉल दिया हुआ है, एक पतला हॉल एक बड़ा वाला हॉल, आप देख लीजिए इस तरह से 2 हॉल आ जाता है, ये बड़ा वाला हॉल है, एक है छोटा वाला हॉल, छोटा वाला हॉल में एक छोटा सा हॉल है, ये अगर ब्लॉक हो जाता है तो अगर आप सिम में करते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो मेन वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए आप इसको ऐसा कुछ पतला तार, या फिर ऐसा कहीं दुकान पर मिल जाए तो ये कुछ 5 रुपीज़ भी नहीं है, तो आप इसको ऐसा इसमें हॉल में क्लीन करना है, ऐसा क्लीन करना है और यहाँ पे जो कचरा रहेगा वो देखो यहाँ पे सिपक जाएगा, ये देखो इसमें कुछ डक्ट रहता है उसकी वजह से फ्लेम नहीं आ पाती है, ये पूरा क्लीन करना है, ये अंदर से जो भी है आप अच्छे से क्लीन कर दीजिए। एंड देन उसके बाद में ये क्लीन होने हो जाने के बाद में इधर साइड में रख देना उसको, और उसके बाद क्या करना है कि मेन ये जो नोजल रहता है उसमें भी थोड़ा सा डक्ट रहता है, तो इसको कपड़े जो ये टेस्टर होता है, ये कपड़े को ऐसा करके आप उसके हॉल के अंदर घुसा के फिर रोटेट करना है उसको, रोटेट करेंगे तो जो भी कचरा रहेगा इसी के ऊपर चिपक जाएगा, आप देख सकते हैं। तो 1-2 बार ऐसा करना है, देख लीजिए आप कचरा छिप गया है, फिर उसको ऐसे ही रहने देना है, और इधर जो आता है जेट, इसका जेट इधर आता है, तो जो सुई होती है एकदम थिन सुई है, ये इसके अंदर जेट है, आप देख सकते हैं मैंने लाइट ऑन कर दिए, और इसके अंदर देखो वॉल है, इसमें गुच के 2-3 बार 4 बार ऐसे पिन बार नहीं है, अगर आपके पास लंबा वायर है तो भी आप ऐसे गुचा के जिसमें ऑल ये ब्लॉक है जो क्लीन हो जाएगा, या आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है तो ये जेट, बट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये ब्लैक ब्लॉक होता है, तो आप
ऐसा वायर से पिन मार के इसे रिमूव कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए अभी ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, आधा 50% काम, इसको टाइट करना ही बाकी है। फिर उसके बाद में क्या करना होता है कि जो नोजल होता है उसके ऊपर कचरा एकदम बिल्कुल क्लीन हो चुका है। फिर आप कोकोनट ऑयल या फिर कुछ ग्रेस थोड़ा सा ऑयल के ऊपर नहीं लगाना है, जहाँ पे ऑयल है वहाँ पे नहीं लगाना है, इधर कोनी की तरफ लगाना है। ऑयल या ग्रेस लगाने के बाद अगर आप इसको प्रेस करने में ये स्मूथ से चलेगा, नहीं तो टाइट नहीं रहेगा ये। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। जैसा मैंने लगा दिया ग्रेस, ऐसा ऑयल भी ऐसा आपको लगाना है। उसके बाद में जो ये वाला पोजीशन है ये इसके अंदर डालना है, ऐसा अंदर डाल के फिर क्या करना है, या फिर ये अंदर नहीं डालते तो पहले ये आसानी से अंदर डाल देते, फिर ये बाद में भी डाल सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैंने ये इसके अंदर डाल रहा हूँ, ये अंदर डाल दिया, ऑल को भी मिल गया, ऑल देख लीजिए आप, ऑल भी मिल गया। अभी इसको कर देते हैं टाइट। तो ये स्क्रू है, इसको इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर डालने के बाद क्या 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 होता है ना कि कई कई आप नया स्टोव परचेज कर लेते हैं, उसके बाद में ये कंपनी से मिस्टेक की ओर से ये कहीं कभी भी खुला भी आ सकता है ये स्क्रू। तो आप ये वीडियो देख के भी आप ऐसा टाइट कर सकते हैं, किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आप घर पे खुद सब कर सकते हैं। ये फुल टाइट करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ईजी से मेरे अंगुल से खुल रहा है, एकदम बढ़िया गेस्ट हो गया है। और ये वर्क भी एकदम शानदार तरीके से करेगा, और सभी आप कौन सा भी 2 बर्नर 3 बर्नर 4 बर्नर कौन सा भी गेस्ट हो तो आप इजी से रिमोट रिपेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको भी हेल्प हुई तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए।